अस्सलाम वालेकुम मेरे एहसास के मज़ेद नाज़रीन, ईपी अपडेट चैनल की तरफ से मैं आज आपको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो ईपी अपडेट चैनल की तरफ से मैं आज आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जो कि एहसास कफलत प्रोग्राम के हवाले से या एहसास प्रोग्राम के हवाले से 6 न्यू अपडेट आई हैं। तो वो 6 न्यू अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो क्या 6 न्यू अपडेट आई हैं एहसास प्रोग्राम की तरफ से, तो ये आपके साथ शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने ईपी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, घंटी के बटन को दबाएंगे, तो हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आपको हर नई अपडेट, हर न्यू इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपको मैं अपने टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वे 6 नई अपडेट क्या हैं। नंबर 1 अपडेट ये है कि ऐसे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो कि एहसास कफलत प्रोग्राम में, एहसास प्रोग्राम में जिनको नाअहल कर दिया गया था, जांच पड़ताल का जिनका मसला था, तो वो अब अपनी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एहसास के सेंटर जाके। तो वो अपने दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाएं, सर्वे करवाएं, तो उनकी दोबारा से वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर वो लोग अहल हुए तो उनको दोबारा एहसास प्रोग्राम में अहल कर दिया जाएगा और उनके 14,000 की इमदाद भेज दी जाएगी। और पॉइंट नंबर 2 है कि ऐसे लोग जो कि जिनकी बाद में शादियाँ हुई हैं और उन्होंने अपना बाद में शादीशुदा वाला शनाख्ती कार्ड नंबर बनवा लिया है उनकी बीवियों ने, तो उन औरतों ने, तो वो अपनी दोबारा से जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, तो एहसास के सेंटर जाके वो भी फिर एहसास कफलत प्रोग्राम में, एहसास प्रोग्राम में अहल हो जाएंगी। तो उसके बाद नंबर 3 पॉइंट ये है कि ऐसे लोग जो कि एहसास प्रोग्राम में अहल हैं, एहसास कफलत प्रोग्राम में अहल हैं, उनकी 14,000 की रकम जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो जब वो अपनी जो है एहसास के सेंटर से अपनी रकम ले सकते हैं। और पॉइंट नंबर ये 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जब आप लोग एहसास के सेंटर में अपने 14,000 की रकम लेने जाएँ, तो आप अपना अंगूठा जैसे लगाएं, आपका अंगूठे के निशान पे अगर सही का निशान आ जाता है तो आप खुद देखेंगे कि आपके सही के निशान हो गया है, आप इसके लिए अहल हैं, आपकी 14,000 की इमदाद आई हुई है, आप ले सकते हैं। तो जब आप वो इमदाद लेंगे तो उनसे कोई कटौती वगैरह वो आपसे नहीं करेंगे, आप उनसे पूरी 14,000 ही रकम लेंगे। अगर वो आपसे कम देते हैं, 500 कम देते हैं, 1,000 रुपये कम देते हैं, तो आपने उनको कहना कि हमारी 14,000 रुपये इमदाद आई हुई है, हम 14,000 से कम नहीं लेंगे, और साथ में हमें इसकी रसीद भी दो, हमें रसीद भी चाहिए। तो ये हुकूमत की तरफ से बाकायदा आपको ऐलान करके बताया जा रहा है कि आप किसी को कुछ रुपया भी नहीं देना, आपने अपने पूरे 14,000 रुपये हासिल करने हैं और अपनी रसीद भी हासिल करनी है। तो आप ये जब अंगूठा लगाएंगे, ये आपको उस तरफ देखना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये है कि जब आप जो है ये एहसास प्रोग्राम के पैसे लेके फिर वापस आएँ, वो आपको फिर इसकी नेक्स्ट जो है वो आपको अगर 6 माह किस्त आती है तो वो 7,000 आएगी आपकी 3 माह बाद, अगर आपको 6 माह बाद किस्त आती है तो वो आपकी 14,000 रुपये किस्त आएगी। तो ये 6ठा पॉइंट मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। अब एहसास कफलत प्रोग्राम को जो है वो डिजिटल निज़ाम के ज़रिए मुतारफ़ कराया गया है। अब आपके एहसास कफलत कार्ड आएँगे, यानी कि एहसास कफालत एटीएम कार्ड आएंगे, तो फिर नेक्स्ट जो आपकी किस्त आएगी एहसास प्रोग्राम की, वो आप जो है बैंक अकाउंट में जाएंगे, एटीएम मशीन में जाएंगे, वहाँ आप उस कार्ड के ज़रिए कार्ड लगा के अपने पैसे निकाल सकेंगे। तो हुकूमत जो है इस में मज़ीद आसानियाँ पैदा कर रही है, ताकि लोग जो हैं लाइनों में, कतारों में ना लगें, बल्कि वो अपने जो है आसानी से अपनी रकम निकलवा सकें, चाहे दिन हो या रात, उनको किसी भी परेशानी वगैरह कोई मिलती होती है तो अपनी फ़ौरन रकम एहसास के सेंटर, एहसास के कफालत कार्ड के ज़रिए वो एटीएम मशीन से हासिल कर सकते हैं। ये न्यू 6 अपडेट थी जो मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आप इनसे फ़ायदा हासिल करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने नॉलेज में इजाफा करेंगे, और आप कहीं किसी को पैसे देने के लिए या किसी कोई आपसे अगर पैसे हासिल करता है, कटौती करता है, तो वो उससे भी आप बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।